हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू व्लॉग। और कल का आप लोग व्लॉग आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कल पहुंच गए थे दिल्ली, और अभी बजे है सुबह के 3। हम लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट है यहाँ से 6 बजे की बैंगलोर की। सो यहाँ पर दिल्ली में बहुत रश है, बहुत ट्रैफिक है, तो टाइम से पहले ही निकल रहे हैं। 3 से ज़्यादा हो चुका है, तो अभी को भी सोए सोए में हमने रेडी कर दिया है। और कल भी इसकी हालत ठीक नहीं थी, पता नहीं आज उठ के कैसा करेगा। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे फर्स्ट रेडी हो गए हैं और बहुत टाइम से पहले हो गए हैं। तो क्या आई होप कि आज ठीक रहे। बहुत बुरा लग रहा है इसे देख के, क्योंकि कुछ भी नहीं खा रखा है, तो बहुत सुस्त हो गया है, चेहरा बिल्कुल मुरझा सा गया है इसका। चलिए, मैं ये सुना रहे हैं इसको स्टोरी, थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइम आया है हमारा अब होटल छोड़कर एयरपोर्ट जाने का, और ये देखिए रात 3:30 बजे का माहौल है। बट एयरपोर्ट में देखते तो लगता ही नहीं है कि आधी रात हो रही है या चुके हैं। और अभी भी जग चुका है फिलहाल, इसको थोड़ी देर घुमा रही हूँ क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट है अब 12 बजे की, और अभी 2 घंटा है, तो थोड़ी देर घूम लेते हैं, इसे कुछ दिला देते हैं। चलिए, है ना। तो फ्रेंड्स, अभी हुआ है टाइम 11:50 और 12:25 की है हमारी फ्लाइट। तो हम लोग बस थोड़ा सा घूम रहे हैं, और ये बैंगलोर का या एयरपोर्ट में फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो हम लोग सोचा अब आए हैं तो एयरपोर्ट ही घूम लेते हैं। इसके बाहर तो अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि कम टाइम है, बट एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है यहाँ का, और बस वही थोड़ा राउंड मार रहे हैं, थोड़ी घुमा रहे हैं। उसके बाद एक और फ्लाइट है, और हेडेक बहुत हो रहा है क्योंकि हम 2:30 बजे से उठे हुए हैं और अभी 12 बजने वाला है, तो बहुत देर हुई है हम उठे हुए। तो चलिए एयरपोर्ट घूमते हैं, फिर फ्लाइट में बैठते हैं। घूमती हूँ एक्साइटमेंट का इसने कचड़ा कर रखा है, कचड़ा रास्ते भर यही हाल है। मैं क्या करूं बताइए, बहुत प्यारा रूम है ये, बहुत अच्छा लग रहा है, और सामने तो रोड है, बट ओवरऑल रूम देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, काफी स्पेशियस है। लोगों ने देखा कि हम लोग रूम पे आ गए हैं, बट अभी ने बहुत परेशान कर दिया। सच में ऐसा लग रहा है ना, मतलब ऐसा फील हो रहा है क्यों आए हम, ट्रिप अभी तक इंजॉय भी नहीं कर पाए हैं।
फिलहाल ये है रूम टूर और होटल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसका नाम मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में पता कर दूंगी यहाँ पे नाम, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और काफ़ी अच्छा है फिलहाल, हम कल जहाँ रुके थे वो भी अच्छा था, उसका खाना भी अच्छा था, और फिलहाल जहाँ रुके हैं ये तो रूम काफ़ी स्पेशियस है, बहुत सुंदर लग रहा है। रूम वाइज ये ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, और खाना का देखते हैं, खाना तो उसका बहुत अच्छा था, तो इसका यहाँ का खाना देखते हैं, भी लंच करेंगे। फिलहाल मैं चाहती हूँ नहाना, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया है डे, तो बहुत सर दर्द भी हो रहा है, जब तक नहाऊंगी नहीं फ्रेश फील नहीं करूँगी। तो अभी तो फ्रेंड्स नहा कर मैं आ चुकी हूँ, इन्होंने भी नहा लिया है, और अभी कपड़े चेंज करा लिए, नहलाया नहीं है एकदम से, थोड़ा क्लाइमेट चेंज होता है ना इस वजह से, वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग यहाँ तीन कपल आए हैं, इनके कलीग्स ही हैं वो, इनके फ्रेंड हैं एक्चुअली। तो टाइम भी हो गया, 4 बजने वाला है, चलो। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने लंच कर लिया था, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि यहीं पे जो नज़दीक में बीच है और यहाँ की जो मार्केट है उसे एक्सप्लोर करके आते हैं। और रेस्ट भी कर लिया था हम लोगों ने लंच के बाद, तो उसके बाद शाम को हम घूमने चले गए थे यहीं बीच साइड पे, क्योंकि नेक्स्ट डे का हमारा कुछ और प्लान था, तो हम लोगों ने सोचा कि शाम को यूटिलाइज़ करते हैं और थोड़ा सा चिल करते हैं, क्योंकि दिन बहुत हेक्टिक हो चुका था, तो ये फ्रेश रिफ्रेश फीलिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। और बहुत सुंदर लगा था यहाँ पे, देखिए। और अभी थोड़ा इसने खाना खाया तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा कुछ तो खाया। और बाकी मामा को अपनी टंग दिखाई, एक ही बार था फिर। ये अभी सी में जा रहे हो? कैसे आ रहा है क्योंकि वो ना थोड़ा भीग चुका है, कि चाल देंगे। ऐसे कहाँ जा रहे हो? इसकी चाल देखो, क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? भीग गए? कैसे भीग गए? आप पानी में गए थे इसीलिए भीगे ना? बोल रहे मम्मा पानी ब्लैक ब्लैक हो गया, आ जाओ ऊपर आ जाओ। ये है पांडिचेरी की
मार्केट। फ्रेंड्स वी आर बैक टू अवर रूम और अभी अब सो चुका है, थक गया है और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने एंजॉय किया बीच साइड पे और बहुत मस्ती करी, भीग भी गया था, आइसक्रीम भी खाई और अपने लिए वो लिया है उसने बबल्स वाला, तो मतलब खुश था, ओवरऑल खुश था, तो अच्छा लगा। दो तीन दिन बाद उसने आज इतना एंजॉय किया है और हम लोग फिलहाल पी रहे हैं चाय, हमें लगी है चाय की तलब और घर की चाय की बड़ी याद आ रही है। तो फिलहाल तो अभी हैं, आज तो तीसरा ही दिन है, दूसरा दिन है एक्चुअली, हम कल ही आए थे बट ऐसा लग रहा है कि कितने दिन हो गए, क्योंकि हमने ये दो दिनों में इतना ट्रैवल कर लिया है। पहले हम आए घर से दिल्ली, फिर दिल्ली रुके और आज, मतलब आज का दिन तो मुझे इतना लंबा लगा क्योंकि हम सुबह 2:30 बजे उठ गए थे। 2:30 बजे उठने के बाद हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे 2:30 बजे उठ गए थे हम और निकले हम 3:30 बजे, क्योंकि रेडी होते होते बच्चे को रेडी करते करते फ्रेश होते एक घंटा तो लग ही जाता है, इसीलिए 2:30 बजे उठे और सही टाइम रहा। उसके बाद हम 4 बजे करीब पहुंच गए थे एयरपोर्ट और उसके बाद फिर उसमें बोर्डिंग वगैरह में जितना टाइम लगना था लगा। उसके बाद हम पहुंचे 9 बजे करीब पहुँचे होंगे हम बेंगलोर। बेंगलोर से फिर हमने 1-2 घंटा वहाँ स्पेंड किया और उसके बाद फिर हम आए यहाँ। 3 घंटे हमने बेंगलोर में अपना टाइम पास किया एयरपोर्ट में ही और उसके बाद हम आ गए यहाँ। मतलब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2:30 बजे के उठे हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि आज का दिन पता नहीं कितना लंबा था, ख़त्म ही नहीं हुआ और थकान भी लग गई है। बट अभी फिर फिलहाल पी रहे हैं चाय, उसके बाद करते हैं डिनर, अभी तो सो चुका है और उसने थैंक गॉड की कुछ खाया आज। और फिलहाल हम लोग अभी यहीं पांडिचेरी की मार्केट घूम के आए थे, यहाँ बीच साइड पर गए थे और अच्छा लगा, यहाँ भी काफ़ी मतलब बहुत भीड़ भाड़ थी, टूरिज्म वगैरह है यहाँ पे भी अच्छा, तो आप लोग चाहे तो विजिट कर सकते हैं, पांडिचेरी अच्छा है। और कल भी हमारे पास पूरा दिन है यहाँ घूमने के लिए, तो देखेंगे कल हम कहाँ घूमते हैं। और फिलहाल हम पी रहे हैं चाय और अब इस ब्लॉग को करती हूँ मैं आज यहीं एंड, क्योंकि ये ब्लॉग शायद बहुत लंबा हो गया क्योंकि 2:30 बजे सुबह से शुरू हुआ है। तो मैं मिलूंगी आपसे कल के ब्लॉग में, कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा हम पांडिचेरी में कहाँ घूमते हैं। एंड आई होप आप लोग को मेरी ये ट्रिप पसंद आ रही होगी और जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग करने की, क्योंकि अभी भी की भी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अभी नई ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो ये फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग है मेरा, तो बने रहिए मेरे चैनल में, मेरे ब्लॉग्स में, मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।